सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन राजघाट रोड तिलीवाट सागर मध्य प्रदेश। तस्वीरों में दिख रहा युवक जो बीच सड़क पर गाड़ियों के सामने सड़क पर लेटकर हंगामा कर रहा है, असल में यह युवक सिस्टम का सताया हुआ है जो सिस्टम से परेशान होकर मरने की धमकी दे रहा है और आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल यह मन को विचलित करने वाली तस्वीरें प्रदेश के छतरपुर से सामने आई हैं। यहां एक 20 साल के युवक की दलील है कि पिछले दिनों आरटीओ चेकिंग के दौरान उसकी टैक्सी पकड़कर थाने में खड़ी कर दी गई, लेकिन तब से अब तक किसी ने उसकी एक ना सुनी। इसी बीच युवक का कहना है कि बीते दिनों उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, इसी के चलते युवक सिस्टम की लापरवाही से परेशान आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। बता दें कि पीड़ित युवक अनिल राजपूत भगवंतपुरा गांव का रहने वाला है जो टैक्सी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पिछले दिनों आरटीओ द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान उसकी टैक्सी पकड़ ली गई। वह टैक्सी छुड़वाने के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। इसी दौरान उसके पिता की तबीयत खराब हुई और जब वह पिता को अस्पताल लेकर पहुंचा तो उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दो दिन पहले हुई पिता की मौत से दुखी युवक अनिल एक बार फिर टैक्सी के लिए आरटीओ दफ्तर पहुंचा तो वहां उसे आरटीओ साहब नहीं मिले। इसी बात से दुखी होकर युवक अपनी माँ और छोटे भाई बहनों के साथ यातायात थाने पहुंच गया और बीच सड़क पर लेटकर मरने की धमकी देने लगा और रो रो कर अपनी पीड़ा सुनाने लगा। उसका कहना था कि वह सिस्टम से परेशान हो चुका है और अब उसके लिए आखिरी रास्ता मौत ही बची है। इस तरह की तस्वीरें वाकई प्रदेश के बदहाल सिस्टम की हकीकत बयां कर रही हैं। छोटे छोटे जी भाइया लोग हैं, इन लोगों के लिए कोई सुविधा मिले, कोई पेंशन वगैरह। हम लोग अपने मतलब हम लोग गरीब हैं, अपनी झुग्गियों में रहते हैं, टैक्सी से अपना गुजारा पालन करते हैं। बोल रहे कागज बनवा, साहब बोल रहे आईटीओ ऑफिस जाओ, आईटीओ ऑफिस में हमारी बात करवाना। वहाँ पे जाएंगे कोई सुनवाई नहीं होगी, हमें इतना पता है। अभी कुछ नहीं किया, हम गाड़ी लेने आए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हंगामा। फिलहाल यातायात थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों की समझाइश से युवक को वापस भेजा गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह अकेला नहीं जो सिस्टम से परेशान है। ऐसे कई हैं जो सिस्टम की बदहाली पर आज भी अपना माथा पीट रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आते। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गरीब की क्या मदद करता है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।